बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। ग्रेजुएशन के वैसे स्टूडेंट जो अनर्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वह पास कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी उनका जो एडमिशन है, खास तौर पर हम हिस्ट्री वालों के लिए बात करते हैं। हिस्ट्री या तो उनका ग्रेजुएशन में अनर्स है या जनरल सब्जेक्ट है यानी पास कोर्स है और वो पार्ट थ्री में है। तो पार्ट थ्री में जो छात्र छात्राएं हैं उनके लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट थ्री जो पेपर फाइव, पेपर सिक्स और पेपर सेवन और पेपर एट होता है 400 मार्क्स का, उसका सिलेबस क्या है हमें बताने की पूरी कोशिश की जाए। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स है या जनरल कोर्स है उसमें आपको पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन और पेपर एट में पढ़ना क्या होता है। साथ ही पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री जो अनर्स पेपर फाइव, सिक्स, सेवन और एट है उनमें पेपर फाइव हो या सिक्स हो या इसी तरीके से जो चारों पेपर से उनमें किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड करेंगे। हम आपको अभी बताएंगे किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिलेबस के बारे में किस तरीके से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर आपको आना है, आपको मैं वेबसाइट पर ले जाऊँगा, स्टूडेंट्स मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर सिलेबस पार्ट थ्री की लगभग अब सभी सब्जेक्ट की अपलोड की जा रही है और हिस्ट्री अनर्स का क्वेश्चन बैंक भी आप वहीं से डाउनलोड करेंगे और अपना सिलेबस भी वहीं से समझेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। अभी हम आपको कुछ समझाने वाले हैं सिलेबस के बारे में ही। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। वहाँ पर हिस्ट्री अनर्स पार्ट थ्री सिलेबस दिया होगा, उसके बाद से लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख ले स्टूडेंट्स मीडिया जो यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पोस्ट में आप देख पा रहे हैं भूगोल वालों के लिए है सिलेबस, उसके बाद से बगल में जो है ये हिस्ट्री वालों के लिए है। यदि आपको यहाँ नहीं दिखता तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा नीचे लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ पर भी नहीं दिखता है तो आप सबसे नीचे आएंगे और पार्ट थ्री वालों के लिए स्पेशल एक पेज बनाया गया है, पार्ट थ्री कंप्लीट सिलेबस, आपको इस पर क्लिक करनी है। आप किसी भी तरीके से ये दो जो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों में से किसी तरीके को अपना करके आप इस सिलेबस को खोज सकते हैं वेबसाइट पर। तो खोजने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो हो जाएगा और यहाँ पर पूरा खुलने के बाद पेज यहाँ पर हिस्ट्री अनर्स वाले पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर अनर्स पेपर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसको पढ़ लेंगे। जो यहाँ पर बताई गई है कि पार्ट वन में आपको कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं, पार्ट टू में कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख ले हिस्ट्री अनर्स पेपर फाइव। पेपर फाइव में जो मेजर चीज़ है, मेजर चीज़ आप ये समझ ले कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में ही पढ़ना है पेपर फाइव में मुख्य तौर पर, और 1757 से लेकर के 1857 तक के बीच में यानी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में जो भी चीज़ें हुई है इंडिया में, मेजर मेजर चीज़ यहाँ पर टॉपिक वाइज बताया गया है कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। तो पेपर फाइव में यही सभी चीज़ें पढ़नी है, जैसा पॉइंट वन में दिया गया है, टू में दिया गया और थ्री में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर फाइव में यही आपको पढ़नी है, डिटेल में आप जा करके वहाँ पर समझ लेंगे। हाँ, मोटा मोटी यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर क्लियर टाइप कर दिया गया है, आप जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आप पेपर सिक्स में देख ले, पेपर सिक्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 1858 से लेकर के 1947 के बीच की जो भी सिचुएशन या मोमेंट हुए हैं वो आपको पढ़नी है हिस्ट्री अनर्स में पेपर सिक्स में। लेकिन एक बात आप यहाँ पर देख ले कि स्पेशल रेफरेंस टू द फ्रीडम मोमेंट, आज़ादी की लड़ाई जो थी, यहाँ पर नीचे दिया गया है किस देश से कैसा रिलेशन था या उस वक्त था और भी चीज़ें जो पॉइंट वाइज दर्शाया गया है, यही आपको पेपर सिक्स में आपको पढ़ना है। आप पोस्ट पर आकर के आप इसे आराम से देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप देख ले, हर चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद से आप पेपर सेवन देखेंगे तो पेपर सेवन में थोड़ा आपको समझना होगा। पेपर सेवन में आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द फार ईस्ट, चाइना और जापान मिड 19th टू मिड 20th सेंचुरी, यानी पेपर जो सेवन होता है इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए
जो आप ऊपर देख ले, जो ऑप्शन ए दिया गया है जो कंटेंट है, उसके बाद से एक ऑप्शन जो है आप नीचे देख ले, बी आई हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया जो मिड 18th टू मिड 20th सेंचुरी दिया गया है, और कुछ देश के नाम भी दिए गए जैसे कि टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, सऊदी अरबिया। तो इतना जो है, इतना आपको, यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको जो नीचे वाला है बी, ये जो कंटेंट है ये आपको नहीं भरना है। आपको पढ़ना है पेपर सेवन में, तो पेपर सेवन में सिर्फ आपको यही पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है मिड 19 टू मिड 20 सेंचुरी के बारे में, चाइना और जापान के बारे में। क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो पेपर सेवन में बिहार विश्वविद्यालय के छात्र आपको जो ए वाला है वही सिर्फ आपको पढ़ना है, बी वाला छोड़ देना है। ए वाला जो है चाइना के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर नंबर वाइज दर्शाया गया है, उसके बाद से आप नीचे देख ले, जापान के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी नंबर वाइज दर्शाया गया है। तो पेपर वो हुआ सेवन। नीचे जो टर्की, उसके बाद से ईरान है, ये किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में है नीचे वाला टॉपिक। आप क्वेश्चन बैंक से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आपका जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट का, वहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करेंगे। लेकिन नीचे आइए, नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए हिस्ट्री अनर्स पेपर एट। पेपर एट में आप देख ले, पेपर एट में भी दो पॉइंट है, और दोनों में से यदि आप बिहार विश्वविद्यालय के छात्र है तो ये जो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट जो मिड 15th सेंचुरी टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये आपको नहीं पढ़नी है बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं हिस्ट्री ऑनर्स के। आपको पढ़ना है तो नीचे आइए, नीचे जो है यहाँ पर बी जो है हिस्ट्री ऑफ द USA। आपको बिहार विश्वविद्यालय के छात्र आपको पेपर एट में फुल्ली आपको पेपर एट में USA के बारे में पढ़ना है, और USA के बारे में क्या कहाँ से कहाँ तक के, तो यहाँ पर आप देख ले 1776 से लेकर के 1945 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई जिनके बारे में आपको पढ़ना है, वो यहाँ पर नंबर वाइज दर्शाया गया है। आप देख ले 1 से लेकर के यहाँ पर आप देख ले लगभग 16 तक है। यहाँ पर जो है हिस्ट्री ऑफ रसिया, यहाँ पर आप देख ले, ये जो हिस्ट्री ऑफ रसिया है, और यहाँ पर जो ए है इसको सी में कर दूंगा एडिट कर करके, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी होना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ रसिया के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है बिहार विश्वविद्यालय के छात्र, आपको इसमें पढ़ना है तो सिर्फ हिस्ट्री ऑफ USA के बारे में। और ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख ले लगभग 16 तक जो मेन जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के बारे में आपको पढ़नी है। उसके बाद फ्रेंड्स किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने के लिए आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर एक है हिस्ट्री अनर्स क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रीवियस 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पर डाउनलोड करने के लिए आप देख पा रहे, एक ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड पर आप क्लिक कर करके आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है हिस्ट्री अनर्स का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आप आकर के इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है लगभग मोटा मोटी भी मैंने आपको कोशिश की आपको समझाने की, बाकी आप वेबसाइट पर आकर के पूरा आप इसको टॉपिक वाइज समझ लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।